सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चलते हैं सारे फतेहपुर में जितनी भी जगह जहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर देखने चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं। तो गाइस, ये है हमारे मोहल्ले तारावली के पुरवे की लाइटिंग का प्रोग्राम और यहाँ पर मुशायरे का भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पर कितने छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं प्यारे प्यारे से। और यहाँ पर ये देखिए चाय का माकूल इंतज़ाम किया जा रहा है। चलिए आगे मुशायरे की तरफ चलते हैं। और ये है गेट हमारा तारावली के पुरवे की लाइटिंग प्रोग्राम, काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या मामला है यहाँ का। फोम देखिए, फोम कितना ढेर सारा फोम आ गया पर। ये है आपके तारावली पुरवा का बेहतरीन रोशनी का इंतजाम। गाइस, अब हम आ चुके हैं सैयद वाड़े वाली रोशनी में। यहाँ पर रोशनी का कुछ इस तरह का इंतजाम है। और ये मेरे साथ पिंटू सेठ भी आ चुके हैं। पिंटू सेठ, कैसा लग रहा है रोशनी घूमने के लिए? अच्छा लग रहा है। चलिए गाइस आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। ये आगे है एक फव्वारा। यहाँ पर खूब ढेर सारे फव्वारे में झाग निकले हुए हैं, पानी इसका नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अभी देखते हैं बाद में। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये यहाँ पर ये मक्का और मदीना का बनाया हुआ है इन लोगों ने थर्माकोल से, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। और ऊपर यहाँ पर मीनार भी दी हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर पानी क्या शाही लग रहा है वैसे तो। ये आ गए हम लोग सैयद वाड़े के दूसरी तरफ। और यहाँ पर की रोशनी का माहौल देखते हैं कैसा क्या है, इस तरह का मामला है यहाँ का। यहाँ पर कुछ इस तरह की सजावट है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का ये भगवान और ये थर्माकोल की बनी हुई मस्जिद। मस्जिद के अंदर रखा है बल्ब, ठीक है। ये हो गई मीनार। ये आगे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ सजा हुआ है, बच्चे खड़े होकर यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। देखो एक सऊदी का बच्चा आ गया यहाँ पर। ये मस्जिद है यहाँ पर। यहाँ पर भी मस्जिद कुछ कलरफुल है, काफ़ी अच्छी लग रही है।
अमिताभ भाई बैठे हैं पीछे, आगे देखिए ये चांद तारा लटकता हुआ यहाँ पर, और ये गुंबद और ये मीनार, यहाँ पर एक काबा का यहाँ पर बनाया इन्होंने डिज़ाइन, और एक मस्जिद ये बनाई है, एक मस्जिद ये बनाई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका दरवाज़ा अच्छा लग रहा है इसको मस्जिद का। और यहाँ पर ये देखिए कितना बढ़िया सा फव्वारा लगा हुआ है नीचे इसका व्यू देखते हैं। यहाँ का फव्वारा काफ़ी कूल किस्म का है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, इसी तरह का यार फव्वारा बना ले सोच रहे हम भी। और सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पर देखिए ये कबूतर, ओरिजिनल कबूतर बैठे हैं यार, उड़ भी नहीं रहे यार, चिपकाया गया है किसी ने इनको, वाह ये देखिए ओरिजिनल कबूतर, वाह ये बैठे। सबसे मस्त तो यार यहाँ पर का लगा कबूतर उबूतर है, और ये फव्वारा यहाँ का बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो फव्वारा है ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का फव्वारा, इसी तरह यार मैं भी फव्वारा बनाऊँगा। चलो चलो चलते हैं यार किसी दूसरी लोकेशन पे। यहाँ पर कॉफ़ी का बेहतरीन इंतज़ाम है, और सलाम ये आ गए अब्दुल्ला भाई हमारे, ठीक हो अब्दुल्ला, और ये पिंटू सेठ हमारे पी रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी, गरम है भाई, किनारे खड़े होकर पियो यार, इधर साइड में खड़े हो। यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ पर भी देखिए दो कबूतर बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे से, और यहाँ पर लोग चंदा भी डाल रहे हैं, ये क्या है यार, इस पे क्या पैसे डाल रहे हैं लोग। चलिए अब चलते हैं आगे, ये जो यहाँ पर रोशनी दिख रही है यहाँ पर चलते हैं। एक गेट यहाँ पर, और इन लोगों ने जो कर दिया यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर, चलो आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर की कुछ इस तरह की लाइटिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर का फव्वारा बहुत ही शानदार लग रहा है, ज़बरदस्त। इस तरह की फव्वारे की टिप चाहिए हमको, टाइमिंग दियो 10 बजे या 10 बजे हम समय आ जाते हैं यार, नीचे से आ रहे हैं नीचे से, इधर हम रहे हैं पर। और एक ये सजावट है यहाँ पर इस तरह की, और आगे चलिए चलते हैं फटाफट। और यहाँ पर एक ये पर्वत पहाड़ सजा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है काफी। और ये आ गए तो गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ का मामला देखते हैं क्या मामला है। यहाँ पर एक हमको एक मस्जिद बनी हुई दिखी है यहाँ पर, और ये मस्जिद बहुत ही अच्छी लग रही है, बेसिकली इसके जो गुंबद हैं ये डोरे इसके वगैरह गुंबद इसके बहुत अच्छे प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर इसके। और ये देखिए एक लाइट कितनी अच्छी सी लग रही है यहाँ पर लाइट, और आगे बढ़ते हैं चलिए। तो गाइस यहाँ पर ये आ चुके हैं मेरे दोस्त वगैरह बुजुर्ग हजरात, ये जो है सब हाय हाय हाय, ये देखिए क्या हाल है, काफ़ी अच्छे प्यारे लग रहे हैं सारे।
ये देखिए सारे लोग, ये गाइस हैं, गाइस हमारे यहाँ पर दो लोग और आ चुके हैं, ये फरमान आ चुके हैं और ये उमर आ चुके हैं। उमर आ चुके हैं, चलिए अब चलते हैं आगे दूसरी जगह, दूसरे पॉइंट पे घूमने चलते हैं। तो गाइस आ चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर हाँ हाँ कपड़े का काबा का गला फलाब बना हुआ है और सब लोग फोटो वोटो खिंचवाने लगे हुए। चलिए चलते हैं आगे गली। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये है एक अच्छा सा फव्वारा यहाँ पर बना हुआ है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए नीचे कितना एक पॉन्ड टाइप का छोटे से बनाया रखा है इन्होंने, और यहाँ पर से ऊपर से इसकी नॉट कैसी है, फुवारे की तो पूरा ऐसे नहीं पानी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब नीचे आके गिर रहा है तो ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा झरने के डिज़ाइन में आ रहा है, तो कुल मिला के अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। और लाइटिंग वाइटिंग की अच्छी करी गई है सिस्टम यहाँ पर, और ये एक छोटा सा पहाड़ टाइप का बनाया गया है, ये जो भी झरना ही है एक यहाँ पर से पानी आ रहा है। यहाँ पर से अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर से थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, छोटा झरना है तो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है, और यहाँ पर पेड़ अच्छे से रखे गएंगे जो कि ये काफ़ी ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर कवर्ड करके इन्होंने सब रखा हुआ है ताकि कोई जल्दी से छू छा ना सके। वैसे काफ़ी अच्छा बनाया है इन लोगों ने, और ये देखिए मस्जिद वगैरह जो है यहाँ पर की काफ़ी अच्छी लग रही है, गुंबद वगैरह जो भी है, गुंबद मीनार कलर वलर भी काफ़ी अच्छा है, कुल मिला के बेहतरीन लग रहा है ये। और ये देखिए यहाँ पर की जाली आली का क्या अच्छा शेप दिया गया है, काफ़ी बारीक काम है यहाँ पर। और ये गुंबद के ऊपर ये देखिए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाए गए हैं ये भी काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। और ये एक यहाँ पर एक मॉडल और बनाया गया है जिसमें से ऊपर हट वगैरह बनाई गई हैं और स्टेयर भी राउंड स्टेयर बनाए गए हैं, ऊपर से दो हट को जोड़ते हुए भी एक ब्रिज बनाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आगे एक और खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद बनाई गई है जिसमें यहाँ पर ये देखिए चढ़ने के लिए रास्ता है, और ये इसकी भी गुंबद के पास ये जो बनाया गया है आगे निकले हुए शेप आर्च टाइप के, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहा है, उसकी मीनारें भी काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं। चलिए चलते हैं आगे, और तो गाइस यहाँ का ये वाला मेरा पॉइंट पूरा हो चुका है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस आ चुके हैं दूसरे पॉइंट पे, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या मामला है आगे, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये देखिए एक आर्ट पीस बना हुआ है, एक ताजमहल टाइप का लग रहा है यार ये तो, लेकिन ताजमहल तो नहीं है, मस्जिद है टाइप की, है ना, चार मीनारें बना दी इन लोगों ने, वैसे अच्छी लग रहा है काफ़ी। और यहाँ पर नीचे देखिए कबूतर वबूतर भी सिर्फ बढ़ा ले गए हैं, पकड़ पकड़ के लाए हैं। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, और यहाँ पर हमको एक देखने के लिए मिल रहा है एक छोटा सा काबे का मॉडल, अच्छा लग रहा है, बच्चों ने मेहनत करी है कुछ ना कुछ तो। चलिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग वाइटिंग भी यहाँ पर करके रखी हुई है, अच्छा है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है लाला बाज़ार का पॉइंट, और यहाँ पर लाला बाज़ार गेट बना हुआ था, गेट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, आगे का दिखाते हैं आपको कैसा क्या माहौल है यहाँ का। लेकिन हर बार ये यहाँ पर कुछ बस लाइटिंग की ही लाइटिंग का ही प्रोग्राम किया गया है, और यहाँ पर वर्क आर्ट पीस वगैरह मॉडल ऑडल नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी वैसे भीड़ है लाला बाज़ार है, तो यहीं पर से ज़्यादातर काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये आगे जो एक पंडाल बना हुआ है यहाँ पर कुरान खानी का कुछ इंतज़ाम। चलिए गाइस लाला बाज़ार के बाद अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइस आ गए यहाँ पर लाला बाज़ार में ही है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुशायरे का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर कैमरे का बेहतरीन इंतज़ाम है, पीछे तक देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत ठीक क्या भीड़ है।